सुरेंद्र यादव जी, उनसे भी नहीं देना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनी हैं। 14 के पहले जब ये चुनाव में आए थे तो इन्होंने वादे किए थे कि भाइयों और बहनों, विदेशों में जमा काला धन जो तमाम लुटेरों ने लूट लूट करके उधर रखा हुआ है, उस काले धन को हम अपने देश वापस लाएंगे और वापस ला करके देश के गरीबों का खाता खुलवा करके उनको खाते में 15 से 20 लाख रुपए जमा कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को, यदि हम सत्ता में आए तो उनको नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे। ढेर सारे वादे इन्होंने करके सत्ता में आए थे, लेकिन आज 4.5 साल हो गया है। 4.5 साल में विदेशों में जमा धन का एक भी पैसा अपने देश वापस नहीं आया, बल्कि यहाँ देश में तमाम सारे पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति जिन्होंने सरकारी बैंकों से कर्जा लिया, कोई 13,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़ रुपए लेकर के उसको वापस नहीं किया, बल्कि देश छोड़कर के भाग गए, इसी सरकार में भाग गए, उसको सरकार रोक नहीं पाई और एक पैसा काला धन नहीं ला पाई। इसका मतलब है कि इनका काला धन लाने वाला जो वादा था, ये चुनावी जुमला साबित हुआ। लोग कम से कम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश के दुरुस्त रहे, आज कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, वहाँ वहाँ कानून नाम की चीज नहीं रहेगी। बड़े पैमाने पर दलित के लोग, दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, कोई नंगा करके मारा जा रहा है, कोई पेड़ में बांध के मारा जा रहा है, नाबालिग बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, 5 साल 10 साल की बच्चियों को उठा करके रेप किया जाता है, उस पर कोई कंट्रोल योगी सरकार नहीं कर पा रही है।